हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत खास डिवाइस लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये डिवाइस को आप यूज़ करोगे तो आपको डायपर से मिलेगा छुटकारा और आपको थोड़ा बहुत पैसा भी बचत हो जाएगा इस डिवाइस को इस्तेमाल करोगे तो। और इस डिवाइस को आप इस्तेमाल करोगे तो मैं आप डायपर को भूल जाओगे। ये जो डिवाइस है, इसमें एक चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग इंडिकेटर है, एक छोटा सा स्विच है और एक वाटर सेंसर है। जैसे कि हम लोग डायपर कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं, इसके वजह से बेबी के स्किन पे ऐसे ही स्पॉट आ जाता है, रैसेस भी हो जाता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस डिवाइस को मैं इसलिए बनाया, मेरे घर में भी एक छोटा सा बच्चा है और इसलिए मैंने बनाया। मेरे को जो प्रॉब्लम होता है, आपको भी शायद होता होगा ऐसे ही प्रॉब्लम, सबको छुटकारा मिले, और इसलिए मैं इस डिवाइस को बनाया। और ये डिवाइस को यूज़ करोगे तो बिल्कुल ही डायपर को भूल जाओगे। आपको चाहिए एक छोटा सा डब्बा, आप इसी तरह का डब्बा यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप दूसरा टाइप का भी डब्बा यूज़ कर सकते हो। और देखिए, ये एक बैटरी है, ये 1200 mAh का बैटरी है। मैंने इसमें वायर लगा के रखा, रेड वाला पॉजिटिव और ब्लैक वाला नेगेटिव। जी बजर, देखिए ये बजर है, इसमें बड़ी वाली पिन पॉजिटिव है और छोटी वाली पिन जो है वो नेगेटिव है। और मैंने एक दूसरा बजर भी पहले से ही मैंने सोल्डरिंग करके रख दिया वायर के साथ, रेड वाला पॉजिटिव और ब्लू वाला नेगेटिव। इसके साथ आपको चाहिए एक माइक्रो USB सॉकेट, इसमें भी मैंने तार लगा के रखा, रेड वाला पॉजिटिव और ब्लैक वाला नेगेटिव। आपको चाहिए एक ट्रांजिस्टर, आप BC547 या 548, इस दोनों में से कोई भी ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। और ट्रांजिस्टर का लेआउट भी बता देता हूँ, देखिए लास्ट वाला पिन जो है कलेक्टर है, बीच वाला बेस और उसके साथ वाला जो है एमिटर। मैंने इसमें भी तार लगा के रखा पहले से एक ट्रांजिस्टर में, रेड वाला कलेक्टर, बीच में ब्लैक वाला बेस और ग्रीन वाला एमिटर। दो LED भी आपको चाहिए, मैंने LED में भी वायर लगा के रखा, रेड वाला पॉजिटिव और ब्लैक वाला नेगेटिव। आपको चाहिए एक डायोड 4007, आपको चाहिए एक स्विच ऑन ऑफ, छोटा सा स्विच यूज कर सकते हो, चाहे तो बड़ा स्विच भी यूज कर सकते हो। एक चाहिए भेरो बोर्ड, इससे मैंने वाटर सेंसर को बनाने वाला हूँ, और थोड़ा सा तार भी चाहिए। तो चलिए मैं इसको असेंबल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस डब्बा के अंदर मैं ये स्विच को लगाने वाला हूँ ये दोनों LED। स्विच को मैं बीच में लगाऊंगा, LED को साइड में लगाऊंगा, और ये माइक्रो USB को भी जो चार्जर है, इसको भी मैं इस डब्बा में लगाने वाला हूँ। तो देखिए मैंने ऐसे लगाया ये माइक्रो USB, देखिए, और ये दोनों LED लगाया। और आपको पहले ही बता दिया मैंने कलर, रेड वाला पॉजिटिव और ब्लैक वाला नेगेटिव, और दोनों LED का दोनों तरफ भी मैंने लगा दिया। तो एक होगा चार्जिंग इंडिकेटर के लिए और दूसरा जब बजर बजने वाला है तब ये ग्लो करेगा। तो मैंने एक होल किया, इस होल के साथ में इस बजर को भी मैं लगाने वाला हूँ, और इस बजर को मैं इस ग्लू गन से चिपका लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको भी लगा लिया, कनेक्शन आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। देखिए बजर को लगा लिया बजर का होल से, ताकि इसका साउंड निकलते रहे। और देखिए मैं इसको कनेक्शन भी करके दिखाता हूँ। ये बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव में मैंने ये डायोड को यूज लगाने वाला हूँ, 4007 डायोड। और देखिए पॉजिटिव में मैंने डायोड का जो पॉजिटिव मार्क है उसको मैंने लगा लिया, और इस पिन को मैंने छोटा करके इस बैटरी को ग्लू गन से इस डब्बा के अंदर मैंने सेट कर देता हूँ। देखिए मैंने इसको सेट कर लिया, अब मैं इसको धीरे धीरे कनेक्ट करने वाला हूँ। तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव वायर है यानी रेड वायर है, मैं स्विच का जो दो पिन है उसमें से एक पिन में लगा रहा हूँ। देखिए मैं इस पिन में लगा लेता हूँ और इसको मैंने लगा लिया, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं इसका कनेक्शन करते रहूँगा, आप ध्यान से देखिए। और मैंने जो माइक्रो USB का जो चार्जर का तार है, रेड वाला वायर जो कि चार्जर से बैटरी में पहुँचने वाला है, मैंने जो डायोड लगाया था बैटरी के पॉजिटिव में, उस डायोड का नेगेटिव में मैंने ये चार्जर का वायर लगाया। और देखिए मैंने जो LED का वायर है पॉजिटिव, जिससे चार्जिंग इंडिकेट करेगा, इसको मैं डायोड के नेगेटिव साइड में लगा रहा हूँ, ताकि जब चार्जिंग हो उस टाइम में ये LED ग्लो करे, और जब चार्जिंग ना हो इसका बैटरी का जो सप्लाई है ये रिवर्स ना हो, इसलिए मैंने इस डायोड को लगाया। तो आप धीरे धीरे वीडियो को देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो थोड़ा सा सोल्डरिंग निकल गया था, तो इसको मैं दोबारा सोल्ड कर लेता हूँ, इस टाइम में कभी कभी ऐसा होते रहता है। तो देखिए इसको मैंने लगा लिया, अब मैं दूसरा कनेक्शन भी करने वाला हूँ। तो मैं अब क्या करूँगा, जितना भी नेगेटिव है यानी ब्लैक वायर है, बैटरी का ब्लैक वायर, चार्जिंग वायर का ब्लैक वायर
और एलईडी का ब्लैक वायर, ये चारों ब्लैक वायर को मैंने एक साथ सबको मैं एक साथ फिक्स कर लूँगा। तो देखिए मैंने चारों के चारों जो ब्लैक वायर है इसको मैंने फिक्स कर रहा हूँ और इसको मैंने सारा फिक्स कर लिया और इसमें से थोड़ा सा मैं सोल्डरिंग कर लूँगा अभी, तो इसको मैं सोल्डरिंग भी मैंने कर लिया। ठीक है, देखिए ये मैंने सोल्डरिंग कर लिया। अब मैं देखिए इस जो ट्रांजिस्टर है इसका जो कलेक्टर है यानी पॉजिटिव वायर, जो स्विच का दूसरा पिन है इसको मैंने इस ट्रांजिस्टर में लगा दिया। जैसे ही स्विच ऑन होगा तो सप्लाई इस ट्रांजिस्टर में जाएगा। जो रेड वायर है ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है, आप देख लीजिएगा, वीडियो का पहले ही मैंने बता दिया। अब मैं देखिए क्या करने वाला हूँ, ये है बजर का पॉजिटिव वायर। ठीक है, तो बजर का जो पॉजिटिव वायर है इसको मैं जो ट्रांजिस्टर का एमिटर है ये ग्रीन वायर उसमें मैंने लगा लिया और इसके साथ साथ मैंने दूसरा वाला जो इंडिकेटर है जो बजर बजने के टाइम में जो एलईडी है ये एलईडी भी जलेगा इसका पॉजिटिव भी मैंने इसमें लगा लिया और इसमें भी मैं थोड़ा सा सोल्डरिंग कर लेता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा सोल्डरिंग कर। अब देखिए मैंने जो वाटर सेंसर बनाऊंगा इसमें दो तार लगने वाला है, इस तार को मैं इस डब्बा के अंदर लगा के एक छोटा सा नॉट बांध लेता हूँ ताकि ये तार ना निकल जाए। और देखिए इस तार का एक हिस्सा मैंने लगा रहा हूँ जो ट्रांजिस्टर का बेस है इसमें मैंने लगा लिया और इसको भी मैं थोड़ा सा सोल्डरिंग कर दूंगा, इसमें मैंने लगा दिया। और दूसरा वाला जो वायर है जो मैंने स्विच है स्विच के दूसरे साइड में यानी जहाँ से सप्लाई आउटपुट होगा स्विच ऑन होने पे वहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ, तो देखिए इसको भी मैंने यहाँ पे लगा लिया। तो हमारा जो काम है ये 90% ही हो चुका है मेन काम। तो देखिए इसमें ये सारा कनेक्शन मैंने कर लिया, आपको अगर समझ में ना आए तो धीरे धीरे देखते रहिए। और ये जो बजर का दूसरा वाला वायर है इसको भी मैंने नेगेटिव में लगा लिया, बजर का जो नेगेटिव वायर। तो मैं सारा सोल्डरिंग कर लिया और इसमें मैं थोड़ा सा सिंक ट्यूब लगा लूँगा ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, और सिंक ट्यूब लगाने के बाद इसको मैं गैस लाइटर से इसको थोड़ा सा हीट दे दूँगा ताकि ये बिल्कुल सिंक होकर चिपक जाए। तो देखिए मैंने ये लाइटर से इसको मैं सिंक ट्यूब को थोड़ा सा हीट दे के इसको सही कर लिया। तो ये काम लगभग ये जो हम लोग बना रहे हैं बेबी लोगों के लिए सुसु करने पर ये इंडिकेट करेगा, तो इसको मैंने बना लिया। और इसको जो ट्रांजिस्टर है इसको भी मैं ग्लू गन से यहाँ पे चिपका के सेट कर देता हूँ और इस बॉक्स को मैं अब इसको बंद कर दूंगा। देखिए ये जो हम लोग बनाया ना सुसु इंडिकेटर बच्चे लोगों के लिए ये बनाया मैंने, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बनाना है इसका वाटर सेंसर को। और देखिए ये वाटर सेंसर बनाने के लिए इसका तार का जो दूसरा साइड है इसको भी मैंने छिलके रेडी रखा और इसको जैसे आप हाथ लगाओगे थोड़ा सा इसमें बीप कर रही है, टच स्विच का भी काम करता है। और ये भेरो बोर्ड है इसको मैंने अब देखिए इसमें जाली बनाऊंगा सोल्डरिंग करके और जो कि इसमें पानी गिरते ही ये इंडिकेट करेगा। यानी ये जो डिवाइस है आप जब छोटे बच्चे को सुलाते हो तो हम लोग बारी बारी में चेक करते हैं ये बच्चा सुसु किया या नहीं किया, तो हमें काफ़ी टाइम देना होता है, नहीं तो हम डाइपर पहनाते हैं और डाइपर पहनाना बिल्कुल सही नहीं होता छोटा बच्चों के लिए। तो इसलिए ये मैंने इस इंडिकेटर को बना रहा हूँ और ये डिवाइस बहुत कामयाब है। तो देखिए मैंने इसमें एक जाली बना रहा हूँ थोड़ा थोड़ा तार लगा के और सोल्डरिंग करके, और ये लगभग मैंने इस जाली को बना लिया। आप देख रहे हो मैंने कैसे जाली बनाया, दोनों तरफ मैंने सोल्डरिंग कर दिया। तो एक एक साइड का एक एक लंबा मैंने लाइन खींचा और दूसरे एंड में मैं इसको टच नहीं किया, जैसे इसमें पानी गिरेगा ये अपने आप टच हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं जो वायर है इसमें जो कनेक्ट होने वाला है इस वाटर सेंसर में दोनों तरफ मैंने लगा लिया। तो जो लोग काम करते हो आपको पता चल ही रहा होगा इस जाली को मैंने कैसे बनाया। तो देखो एक एक तरफ मैंने कैसे जाली को बनाया, तो देखिए इसको मैंने बना लिया है और इसमें थोड़ा सा टेप से मैं चिपका दूंगा और इसको मैं इस्तेमाल करके भी आपको बताने वाला हूँ ये कैसे काम करता है। तो देखिए जैसे मैंने ये बना लिया और अब इसको मैं काम करा के भी दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने स्विच को ऑन कर लिया और इसमें मैं एक रुमाल को बिछाऊंगा, देखिए टच स्विच का भी काम करता है, जैसे हाथ लगाते हो इस पर थोड़ा थोड़ा ये बीप कर रहा है। और देखिए ये चार्जिंग इंडिकेटर है और ये चार्जर भी लगा के देखिए चार्ज हो रहा है ये। तो इस तरह का डिवाइस आप इस्तेमाल करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, छोटे बच्चों के लिए 1 से 6 महीने के बच्चों के लिए बहुत कामयाब है। तो जैसे कि मैंने इसको एक रुमाल लगा लिया, आप जैसे बेडशीट के ऊपर भी इसको लगा सकते हो और थोड़ा सा पानी गिरा के भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने जैसे पानी गिराया तो इसमें इंडिकेट करना शुरू कर दिया बीप करके।
तो आप चाहो तो इसमें इस बीप को ना लगा के, यानी इस पीजो को या बजर को ना लगा के आप इसमें वाइब्रेटर भी लगा सकते हो। और देखिए इसको ऐसे ही आप कॉटन से धीरे धीरे वाटर को सोक कर लीजिएगा तो ये आवाज़ भी बंद हो जाएगा। देखिए अब नहीं बज रहा है। तो ये फ्रेंड मैं जो वीडियो बनाया, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।